नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच में इस वक्त की एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तनाव चरम पर है, यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव बरकरार है, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि रूसी सैनिकों की तैयारियां क्या है, उनके पोजिशन किस तरह की है। उन्हीं तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन और रूस के बाद जबरदस्त तनाव है, और तनाव का असर है, भारत भी इस पूरे के पूरे वाक्य को नजदीक से देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन इस बीच में इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि सेना की ताकत को परखेंगे पुतिन, समझेंगे, क्योंकि जबरदस्त टेंशन है, टेंशन हाई है यूक्रेन और रूस के बीच में। और सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद पुतिन बताया जा रहा है कि वो खुद जायजा लेंगे। अब वो क्या उन इलाकों में पहुंचेंगे जहां पर सेना मौजूद है, या फिर किसी दूसरे तरीके से, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि खुद जायजा लेंगे, वो सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। क्रूज मिसाइल का भी पुतिन जायजा लेंगे, रूसी राष्ट्रपति सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे, और जो मिसाइल वहां पर तैनात की गए हैं, जो आर्टिलरीज वहां पर तैनात की गए हैं, जो सैनिक वहां पर हैं, जो दूसरा साजो सामान युद्ध का जो वहां पर है, पोजिशन और दूसरी चीजों का जायजा लेंगे, अधिकारियों से समझेंगे कि रूस कितना तैयार है। जबरदस्त टेंशन है, अमेरिका भी बयानबाजी कर रहा है, रूस की भी बयानबाजी है, यूक्रेन भी बयान दे रहा है, यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज बयान दे रहे हैं, लेकिन सब तमाम बयानों के बीच में रूस फिलहाल अभी तो पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है, खासतौर पर इस एक मूव के बाद। पुतिन जायजा लेंगे शनिवार को, सेना की तैयारियों का व्लादिमीर पुतिन जायजा लेंगे शनिवार को, यानी कि कल रूसी राष्ट्रपति जायजा लेंगे, और क्रूज मिसाइल जो तैनात की गई है उन क्रूज मिसाइल का वो जायजा लेने वाले हैं। तो पुतिन परखेंगे अपनी सेना की ताकत, और रूस यूक्रेन के बीच में टेंशन कितनी हाई है, अब एक इसी मूव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना आसान है कि शायद ऐसा कुछ ना हो, तो ऐसा भी नहीं है, चीजें ठीक नहीं है। मॉक ड्रिल भी वो देखने वाले हैं, और मॉक ड्रिल यानी कि मॉक ड्रिल में वो परिस्थितियां बनाई जाती हैं जो युद्ध के समय में होती हैं, और मॉक ड्रिल भी देखेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो सेना की ताकत को देखेंगे कि कितनी है। यूक्रेन और रूस अगर आपस में युद्ध करते हैं तो फिर यूक्रेन कहीं ठहरता नहीं है, लेकिन यूक्रेन के साथ अगर नाटो आ जाए, अमेरिका आ जाए, तो फिर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो जाती हैं। फिर विश्व की जो दूसरे मुल्क होंगे, दूसरे देश, उनका क्या स्टैंड होगा, भारत का स्टैंड क्या होगा, अभी तक क्लियर नहीं। लेकिन फिर उसके बाद एक स्टैंड सबको अख्तियार करना होगा अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है। हालात नाजुक से ही नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अब पुतिन का ये कहना कि वो तैयारियों को देखेंगे, शनिवार को जाएंगे, मॉक ड्रिल देखेंगे, और मॉक ड्रिल बिल्कुल वैसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं, हथियारों का उसी तरह से इस्तेमाल होता है, सैनिकों का उसी तरह से इस्तेमाल होता है जैसे युद्ध के समय में होता है। तो उस मॉक ड्रिल को भी रूसी राष्ट्रपति बॉर्डर पर पहुंचकर देखेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.